आर्मी कहने को K-pop में हजारों बैंड्स हैं, हजारों लाखों K-pop आइडल्स हैं, लेकिन पिछले एक दो हफ्ते से पूरे K-pop में, पूरे कोरिया में जो इंसान ट्रेंड कर रहा है, जो न्यूज़ में हेडलाइंस बना रहा है, वो है BTS मेंबर सुगा। और इस बार शॉकिंगली पहली बार है जब BTS मेंबर सुगा किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि शॉकिंगली कंट्रोवर्सीज के लिए हर रोज़ हेडलाइंस बना रहे हैं। उनके ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केस को लेकर हर रोज़ कोई ना कोई अपडेट आ रही है, कोई ना कोई नया मोड आ रहा है। कोई बोल रहा है कि सुगा को 5 साल की सज़ा होगी, तो कोई उन्हें BTS से निकालने तक की बात कर रहा है। लेकिन इसी बीच फैंस के लिए बहुत बड़ा अपडेट कोरिया से आ रहा है, योंगहान पुलिस की तरफ से, जहां पर सुगा का ये स्कूटर वाला एक्सीडेंट हुआ था जहां से उन्हें पकड़ा गया था, वही पुलिस सुगा के इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और फाइनली अब वही की पुलिस का एक बहुत मजबूत स्टेटमेंट सुगा के DUI केस को लेकर आया है, जो हमारी लाखों BTS आर्मी का दिल तोड़ सकता है। ये तो आपको पता ही है कि 6 अगस्त को जब ये इंसिडेंट हुआ तो सुगा ने खुद पोस्ट कर बताया था कि उन्होंने थोड़ी बहुत शराब पी हुई थी। लेकिन अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें पुलिस ने ये बात साफ साफ बताई है कि जब सुगा से हाल ही में इन्वेस्टिगेशन इस केस को लेकर की गई है कि उनके अल्कोहल लेवल क्या थे, उन्होंने शराब कहाँ पी थी, कहाँ से स्कूटर स्टार्ट किया था और इस बीच ऐसा क्या हुआ कि वो गिर पड़े, तो इसे लेकर सुगा ने जो बताया बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। जी हाँ आर्मी योंगसान पुलिस की माने तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब वो सुगा से उस दिन के बारे में सवाल जवाब कर रहे थे, तो सुगा ने उन्हें बताया कि उस दिन उन्होंने इतनी ज़्यादा अल्कोहल यानी शराब पी रखी थी कि उन्हें उस दिन का कोई भी इंसिडेंट मालूम नहीं है। जब से उन्हें नशा हुआ वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनका केस और भी कमज़ोर हो गया है। और पुलिस को लगता है कि सुगा ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी थी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है। बाकी की रिपोर्ट्स अभी रिवील नहीं हुई हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस क्या कहती है कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन तब तक ये नई अपडेट को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना।